सावन 2023, सावन में यह उपाय करने से शादी, रोगों से मुक्ति, धन की कामना जल्द होगी पूरी, ऐसे करे अभिषेक। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है सावन 2023। सावन में यह उपाय करने से शादी, रोगों से मुक्ति, धन की कामना जल्द होगी पूरी, ऐसे करे अभिषेक। मित्रों, जैसा कि आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में हम अपनी कई समस्याओं का निदान भगवान शिव का इस प्रकार से अभिषेक करके अपनी बहुत सी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जो आप सावन के महीने में अगर करते हैं तो आपको कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं उन उपायों के बारे में। विवाह में देरी हो रही है तो ऐसे में लोगों को माता पार्वती के लिए सौभाग्य की सामग्री समर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में अगर शिव भक्त सच्चे मन से उन्हें एक लोटा जल चढ़ा दे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महादेव को खुश करने के लिए सावन माह में एक लोटा जल और 3 बेलपत्र चढ़ाना काफी शुभ बताया गया है। सावन में केवल जल और बेलपत्र से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपके मन में कोई इच्छा है, मनोकामना है, जैसे आप विवाह की चाहत रखते हैं, धन कमाना चाहते हैं या रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सावन के महीने में आप शिव शंकर की आराधना करें। अगर किसी व्यक्ति की शादी में कोई बाधा या अड़चन आ रही है अथवा विवाह में देरी हो रही है, तो ऐसे लोगों को माता पार्वती के लिए सौभाग्य की सामग्री समर्पित करना चाहिए। वहीं अगर व्यक्ति बीमारियों से घिरा हुआ है, उसके परिवार में कोई ना कोई बीमार बना रहता है और उपचार के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो भगवान शिव का दूध, दही, शक्कर, शहद, पंचामृत से अभिषेक करें। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी को लेकर परेशान है, वो मेहनत करता है फिर भी उसे पैसा दिखाई नहीं देता, वो धन की कामना करता है, तो ऐसे लोग भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें। भगवान शंकर को भोलेनाथ भी कहा गया है। सज्जन लोगों के लिए वो भोले हैं। महादेव छोटी सी सामग्री से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे जो चीज़ किसी के काम नहीं आती, वैसी चीज़ें उनके लिए समर्पित की जाती है। शिव जी को धतूरा, भांग, बेलपत्र, शमी समर्पित की जाती है। बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना 58 दिन तक रहेगा। इसमें 8 सोमवार आएंगे। प्रतिदिन यह आराधना करने से भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि सावन में किस प्रकार से उपाय करके शादी में आ रही अड़चनों को और रोगों से मुक्ति और धन की कामना कैसे पूरी कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक था सावन 2023। सावन में यह उपाय करने से शादी, रोगों से मुक्ति, धन की कामना जल्द होगी पूरी, ऐसे करें अभिषेक। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।